होल होल, दोनों का उच्चारण एक जैसा ही है। पहला है होल, जिसका स्पेलिंग है HOLE, जिसका मतलब होता है छेद, छिद्र, बिल। उस बिल में बड़ा चूहा है। देयर इज अ बिग माउस इन दैट होल। दूसरा है होल, जिसका स्पेलिंग है WHOLE, जिसका मतलब होता है पूरा का पूरा, संपूर्ण। मैंने एक ही दिन में पूरी किताब पढ़ ली। आई हैव रेड द होल बुक इन वन डे। हाल हाल, पहला है हाल, जिसका स्पेलिंग है HALL, जिसका मतलब होता है विशाल कक्ष, सभा भवन। उसको कई लोग हॉल कहते हैं, उसको हॉल प्रोनाउंशिएट नहीं करना है, उसको हाल प्रोनाउंशिएट करना है, उसका उच्चारण हाल होगा। हमने शादी के लिए एक विशाल कक्ष किराए पर लिया। वी हैव रेंटेड अ बिग हॉल फॉर द वेडिंग। और दूसरा है हाल, का मतलब होता है खींचना, विजयोपहार। कार को नदी से बाहर निकलने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। द क्रेन हैड टू बी यूज्ड टू हॉल द कार आउट ऑफ द रिवर। हैमक हमक, दोनों का स्पेलिंग एक जैसा दिखता है लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला वाला है उसको हम हैमक कहेंगे, जिसका स्पेलिंग है HAMMOCK, मतलब होता है झूला, रस्सी वाली खाट। दीपक को झूले पर सोना पसंद है। दीपक लाइक्स टू स्लीप ऑन द हैमक। दूसरा है हमक, इसका स्पेलिंग है HUMMOCK, का मतलब होता है छोटी पहाड़। मेरे गांव के चारों ओर छोटी पहाड़ियां है। हमक सराउंडेड माई विलेज। हैंगर हैंगर, पहले वाले हैंगर का मतलब होता है विमान घर, उसका स्पेलिंग है HANGAR, उसका मतलब होता है विमान घर। हवाई अड्डे के विमान घर में कुछ मरम्मत चल रही है। सम रिपेयर इज गोइंग ऑन इन द हैंगर ऑफ द एयरपोर्ट। दूसरा है हैंगर HANGER, उसका मतलब होता है लटकने वाला, टांगने वाला या फिर कांटा। हैंगर का इस्तेमाल करो, अपने कपड़ों को घर में यहाँ वहाँ मत फेंको। यूज हैंगर, डोंट थ्रो योर क्लोथ्स एवरीवेयर इन द हाउस। हो हो, हो का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप तारीफ कर रहे हो या फिर आप शौक में हो, मतलब आप अचंभित हो गए हो, तब आप हो का यूज़ करते हो। हो आप यहाँ हो, हो यू आर हियर। दूसरा है हो HOE, सिर्फ पीछे ई आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही रहेगा। उसका मतलब होता है कुदाल, फावड़ा। मुझे बागबानी करने के लिए एक कुदाल की ज़रूरत है। आई नीड अ हो फॉर गार्डनिंग। बागबानी को इंग्लिश में गार्डनिंग कहते हैं।